गाइस हमने बहुत सारी मस्ती करी है रोड पे। यहाँ पे हाईवे बन रहा है, हाईवे कहाँ थी, हाईवे बहुत देर हो चुकी है यहाँ पे वीडियो बनाते बनाते और बहुत सारी मस्ती भी कर लिया है ना, क्योंकि रोड ये हाईवे खाली पड़ा है पूरा बन रहा है। कहाँ जा रहे हैं हम? वैसे तो मम्मी का फोन आ चुका है क्योंकि हमको 1.5 घंटे हो गए, अब हम जाने की सोच रहे हैं सेक्टर 12 थोड़ी बहुत खाने पीने के लिए और थोड़ा बहुत घूमने के लिए। अच्छा, क्योंकि हमें बहुत देर हो गई है यहाँ पे और ये हाईवे जो खाली पड़ा है क्योंकि काम चल रहा है ना, रोड बन रहा है इसलिए यहाँ पे। और हमने तो वीडियोस बना ली हैं, आयुष ने बना दिए हैं, इसको लेके आए थे जबरदस्ती। कुकू को फोन आया, कुकू से फोन ले लिया, मम्मी ने बहुत देर से चला रही है, चार्जिंग खत्म कर दी उसने, तो बोल रहे कि मेरे लिए बबल बैलून वगैरह सब कुछ लेके आना। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं सेक्टर 12, चलोगे फिर? सो चलो चलते हैं। और आज मैंने ये पहना था, मैं लेके आई थी ये जो मैंने अपने बर्थडे पे पहना था, ठीक है चलो चल रहे हैं। सो गाइस हम आ चुके हैं और यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, छोले कुलचे ढूंढ रहे हैं। तो वो तो बस एक वही है और कोई नहीं है, पिज्जा वाला है वो तो, जो छोले कुलचे खा लेते हैं। छोले कुलचे कहाँ है? उसके बगल में। चलो ठीक है। और गाइस यहाँ पे कॉटन कैंडी वगैरह तो है, देख बैलून वगैरह मिलते तो कुकू के लिए ले वो मिल गया कुकू का सामान तो यहाँ पे। चलो छोले कुलचे ले लो, चलेंगे बाद में अंदर बैठ के खाएंगे। ये तो पहले चला गया अंदर, भाई जी मिलेगा कुकू के लिए। तुम खत्म कर दो भैया, दे कितने का? 10 का ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो। कितने क्यूट क्यूट है ना, अब छोले कुलचे खाने। कोई टेबल वगैरह क्या हुआ? क्या हुआ आपका? आप तो ऐसे हंस रहे जैसे कोई मिल गया हो। कोई मिल गया, मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया, हा, 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 हिल ही गया, जगह मिल ही गया, हाँ ठंड लगेगी तो आप धूप में नीचे बैठ जाते हैं ना, और नीचे गंदा हो रहा है, एक कुकू खुश हो जाएगी, पता है मिलो ना बेबी, ये खा लेते ना बैठ के, हाँ सही करें, पिकनिक हो जाएगी। खुला है मेरा पिंजरा, आ मेरी नैना, सिटू खा लो। खाऊंगा बेटा, अभी खाओ, टेस्टी लग रहा है ना गाइस, आ जाओ आप लोग भी खा लो, टेस्टी टेस्टी। कुकी रियली शाना रियली शाना रियली शाना रियली शाना रियली शाना रियली शानी रियली चोनो। अच्छा पसंद आया? कॉटन कैंडी चाहिए थी ना? हां कॉटन कैंडी। कैसी है भाई? यम्मी। हां अच्छा मम्मी देखे टेस्ट करके कैसी है? वेरी यम्मी। खा रही है अपना, एंजॉय कर रही है मजे से, लेकिन मम्मी कह रही थी तुम चलोगे, अब तुम्हें बताऊंगी, अब कहीं जाओगे ना तब देखना। और गाइस अभी तो हम घर पे हैं, अभी मैं कपड़े पर चेंज करूंगी, फिर देखेंगे सिटू के घर जाएंगे, मतलब मैं अपने मदर इन लॉ के घर जाऊंगी, ठीक है? तो अभी तो थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ी देर बाद जाएंगे। कितना टाइम हो रहा है सिटू? 2:30 बज गया, फिर जल्दी जाना क्योंकि सिटू को फिर जाना भी है ना कल, थोड़ा जल्दी निकलेंगे। हम निकल चुके हैं, मतलब अभी तो नहीं निकले, निकल रहे हैं घर से, जब से आए जब से कपड़े बदल रहे हैं। खाना नहीं खाया? कपड़े बदल रहे मतलब जब से आए तीन घर तीन दिन से किसे धक्का मार रहा है, लाइट बंद नहीं करी ना इसलिए क्या, जब देख लो इसको एक घूसा लग गया है, कान छेड़ो दर्द हो जाएगा। हां मैंने कान में अरे जाना ये इसलिए कुछ सारा, इसकी लाइट नहीं बंद करी थी ना, खुद बाहर आ गया। पंखा चला है? पंखा चला के आई थी कुकू, ये कुकू आगे बढ़ा के चला ना, मोए मोए कुकू आगे बैठ ना।
तुम्हारा भी फैला पड़ा मैं जा रही ऐसी चीज कुछ नहीं खा रही। गोलगप्पे भी हमें खाने पड़े, वो चाट सी, क्योंकि उसको चाहिए चॉकलेट। चलो यार गरम गरम खा लेते हैं। गाइस देखो कितनी मोटी मोटी मूंगफली है, देखो कितनी मोटी मोटी है चॉकलेट। यम्मी गाइस अब थोड़ा रेस्ट करने के बाद, कपड़े चेंज करने के बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय। दूध देख रहे हो आप, इतना गाढ़ा दूध है, पता मेरा पीने का भी मन नहीं करता। वहाँ मैं रोज पीती हूँ, लेकिन ये मैंने पी लिया अभी दो दिन से ऐसा मुँह मर गया जैसे पता नहीं क्या कर लिया हूँ। और यहाँ भी दूध हो रहा है, इस पर मत जाना, ये पहले पानी वानी गर्म होता है इसमें, क्योंकि ये वाला इस वाले दूध की बनेगी पनीर। मम्मी बनाएंगी मटर पनीर अभी, ठीक है। और मैं बना रही हूँ चाय। गाइस ये आ गया खाना, मटर पनीर की सब्जी, कड़ी पकौड़े, पूरियां गरम गरम। ये रही मेरी कुकी, नानू का तोपा पहन के। कुकी खाना खाओ भाई, थाना थाओ थाना थाओ थाना थाओ थाना थाओ। ए गाइस गुड आफ्टरनून, देखो ए गाइस गुड आफ्टरनून। तो फिर अब कुकू और मैं खेल रहे थे थोड़ी देर पहले, मैं नहा ली हूँ, अब कुकू को नींद लाया, उसको कोल्ड हो रहा है। स्वीटो तो पहुँच गए अपने हरिद्वार, है कुकू रेडी तो गए, पता है हरिद्वार पहुंच भी गए। आपने तो बोला था मैं नहीं जा रही अभी, मैं थोड़े दिन यहीं रहूंगी। मैं तो फीटू के साथ रहती। तो मम्मा तो यहीं है, मम्मा के साथ नहीं रहते आप? और गाइस हमारे यहाँ जैसी ठंड है ना ऐसी यहीं है, पर यहाँ थोड़ी अभी धूप निकल रही है। मुझे मम्मा फीटू के साथ रहना था। दोनों के साथ कैसे ले सकते हैं, अभी थोड़े दिन बाद लेंगे ना, जब आपकी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी ना तब। और गाइस मैं लाई हूँ खाना अपने लिए, सुबह तो चाय वगैरह पी ली थी, यहाँ पे चप्पल वगैरह रखी है, ठीक है। गर्मा गर्म रोटी सब्जी दही। हाँ जी मुझे तो वो पसंद है येलो। क्या येलो वो? हाँ। तो ले आओ, नानी ने वो रख रखा है। तो भाई चलो मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। हल्की हल्की धूप निकलने को तो हो रही है, छत पे बैठेंगे फिर। चिली पटेटो खा लो, चाउमीन मटर वाली। सो गाइस अभी तैयारी हो रही है आग जलाने की, ठीक है। बहुत ठंड हो रही है, हाथ तापेंगे ना मजे से, है ना कुकी? सर्दी हो रही है ना, मेरे से नहीं तो ठंडे भी हाथ हो रहे हैं ना दोनों। हाँ पैचे लेके हाथ तापेंगे ना, गर्म हो जाएगा। और मम्मी पता है क्या बना रही है, क्या बना रही है इस खाने में? सरसों का साग बाजरे की रोटी। क्या क्या बना रही है नानी? सरसों का साग बाजरे की रोटी। बस है, मैं नहीं खा सकती। बस बेटा तुम तो खा ही नहीं सकती, आपको बेटा खांसी हो रही है ना तो नुकसान करेगी, पता है। मूली है इसमें, मिर्च भी होती है पता है, देख लेना। गाइस तो यहाँ पर साग घी डाल के रोटी बाजरे की, और ये इसमें खा रही हूँ खाना। बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है बाहर, खा लो आपको खाना है तो, चलो खा के देख लो, मिर्च लगे तो रख देना। तो यहाँ पे गर्मा गर्म मैक्रोनी आ चुकी है, लोनी डाल के, मतलब लोनी में बनाई है ना, लोनी गिर रहा है ऊपर तो बना, आशीष ने बनाई है। अब देखते हैं खा के कैसी बनी है, टेस्ट करूँ पहले। हैं भाओ मजेदार, आपको कैसी लग रही है मिर्च? तो वैसे यहाँ चल रहे हैं पराठे, मैंने ही बनाए लोनी घी के साथ और दही के साथ। इसमें पहले मम्मी ने खाए थे इसलिए प्लेट ऐसी हो रही है, आप लोग भी खा लो, हट ही नहीं रहा इसमें से। तो अभी हम लेके आए हैं पायल, ये मैं तो पहन रही हूँ, ये वाली डेली वेज के लिए ली है मैंने, मतलब एक जोड़ी तो मैंने चेंज की, एक जोड़ी मम्मी ने मुझे दिलाई है, तो ये तो मैं डेली वेज के लिए है। अब कैसे भी कोई से भी समझ लो, ये डेली वेज के लिए है मेरे लिए, इसमें पहन रही हूँ मैं। मैंने ये वाली पहन रखी थी हल्की हल्की सी, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे भी हल्की पसंद आती है। मम्मी ने कहा ये ले ले, ये बहुत सुंदर लग रही है, और देखो कितनी हैवी है ना, मतलब इतनी हैवी तो नहीं है बट हाँ फिर भी इनसे तो बहुत हैवी है। ये मैं पहनूंगी और एक और दिखाती हूँ आपको, ये रही ये सबसे ज़्यादा हैवी है, कि मम्मी ने बोला कि ये कहीं जैसे आओ जाओ तब पहन लो, बाकी मैंने अपनी हैवी वाली चेंज कराई थी। जी देखो ये वाली भी सुंदर है, पता है ये वाली ज़्यादा सुंदर है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी भी है। देखो अभी दिखाती हूँ मैं अपने पैर में लगा के, देखो ये देखो, देख रहे हो ये बहुत हैवी है वैसे पकड़ने में भी,
ये थोड़ी हल्की है तो ये मैं डेली वेज में पहनूंगी, ये रखूंगी अपने पास। और ये तो मम्मी की है, मतलब मेरी मदर इन लॉ की, तो मैं रखूंगी। भी बहुत सुंदर लग रही है ये भी। मम्मी बना रही है अभी अचार, अचार की तैयारी कर रही है। मैं खा रही हूँ यहाँ पर गुआवा, अमरूद देख सकते हो अमरूद देख सकते हो कितना बड़ा है, देख रहे हो अच्छा लग रहा है ना, जैसे वहाँ पहाड़ में होते हैं ना मम्मी, जहाँ वहाँ बड़े बड़े होते हैं ना। कुकू चलो खाओ, तो और बड़े जो भीतर। हाँ गुड आफ्टरनून एवरीवन, आए मैं बता रही हूँ चला के देखो छत पे, छत पे जा रहा है झाड़ू लगाने के लिए, तो कह रहा कि बताना मैं तो वीडियो कुछ जा कुछ जा। और गाइस मैं खा रही हूँ अभी खाना टेस्टी सा है, और साथ में दही, देसी खाना, बाजरे की रोटी वो पेठे की सब्जी वगैरह। और मैं अभी नहा ली हूँ, मैं भी जा रही हूँ छत पे, ठीक है। और छत पे बहुत दिनों बाद धूप निकली है बहुत अच्छी, और हम सब जाएंगे अभी छत पे बैठने धूप में। कुकू खा रही है अपनी चिप्स, है ना कुकी, टेस्टी लग रही है। कुकू को भी नहीं ला दिया मैंने, है ना। और गाइस दो तीन दिन से ब्लॉग चल ही रहा है, सिर्फ तो अपना हरिद्वार चले गए थे जैसे कि मैंने आपको बताया था, गाने चल रहे हैं। तो चलो इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आ रहे हैं आपको ब्लॉग प्लीज़ ज़रूर से बताना, जो लोग कमेंट करते हैं बताना पसंद आ रहे हैं ब्लॉग, तो ठीक है। लोनी ओ रोटी पे रखने के लिए, बाजरे की रोटी पे रखने, गरम गरम रोटी है ना तो अच्छा लगेगा। तो ये रहा मेरा खाना बढ़िया सा, और बताना यार व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो फिर मैं कंटिन्यू करूँ, ना तो फिर मेरा मन नहीं करता यार यहाँ पे बनाने का, मौज मस्ती करने का तो मन करता है। वैसे व्लॉग बना भी लूँगी, आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और शॉर्ट वीडियोस तो मैं डाल ही रही हूँ अभी इंस्टाग्राम पे, उस पर भी इतना कंटिन्यू नहीं हूँ, बट हाँ डल रही हैं डेली डेली, एक आदत तो डलती है ही। और ठंड हो रही है यहाँ तो मुझे लगता है हरिद्वार से भी ज़्यादा ठंड है। आज निकली है धूप, है ना अम्मी, बहुत दिनों बाद, तो आज छत पे जाएंगे अभी बैठने के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके।